वर्ल्ड वर्ल्ड कैरियोके चैम्पियनशिप है. इंडिया इंडिया के बारे में यहाँ पे जितने गाने वाले हैं, जिनको गाने का शौक़ है, वो सब आने वाले हैं. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे कोई भी गाने का शौकीन हो, चाहे वो बाथरूम सिंगर हो या फिर प्रॉपर सिंगर हो, कोई भी आ सकता है, अपने सिंगिंग टैलेंट दिखा सकता है. एंड आई थिंक यहाँ से जीतने के बाद में यू गो इंटरनेशनली, विच इज़ अनदर वेरी बिग प्लेटफॉर्म. बिकॉज सिंगर्स जो है, आई थिंक गाना और गाने को उसका प्रदर्शन करना, आई थिंक हम सब के मन में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, तो वही निकालने का यहाँ पे जज्बा है, वही निकालने का जोश है. आई थिंक दैट्स व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल अबाउट दिस होल थिंग. सर, सोने पे सुहागा है, ये कोरियोग्राफर भी है, सिंगर भी है, लॉन्चिंग भी है, और आके क्या कहना है? आई थिंक किसी भी सिंगर के लिए कहीं ना कहीं पे स्टेज पे जो होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप कितना अट्रैक्शन अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू दिखा सकते हैं. तो गाने के साथ साथ कहीं ना कहीं पे आपको डांसिंग का भी एबिलिटी हो, या थोड़े मूवमेंट, ग्रेसफुल मूवमेंट हो, तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है. अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हो तो उससे भी और अच्छी बातें हो सकती हैं. तो आई थिंक रॉकी एस, मानसी और मेरे साथ मिल करके वी विल डू अ ब्यूटीफुल ट्रेनिंग फॉर द विनर, ताकि वो लोग जाकर के हमारे देश को और आगे बढ़ा सकें, हमारे गाने को आगे बढ़ा सकें. आई थिंक अगर ये हो गया साथ में तो बहुत मज़ा आएगा. अभी हाल ही में आपका एक कॉन्सेप्ट था जो मॉल में आप काफ़ी आपका खुद का था जो जज कर रहे थे डांसिंग का, तो इसमें क्या रहेगा आपका रोल? पर इसमें इट इज़ ओनली अबाउट जो सिंगर्स हैं, उनको जो भी गाना गाने वाले हैं वो लोग फाइनल्स में, उसके बाद में इंटरनेशनली भी जाने वाले हैं, तो उस गाने को हम लोग किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं. तो एज अ कोरियोग्राफर मैं उनको हेल्प करूँगा टू मेक दैट सॉन्ग लुक मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट सॉन्ग लुक मोर ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी वाइज. तो वो थोड़ा बहुत जो मूवमेंट सिखानी होगी वो सिखाऊंगा. आई डोंट थिंक देर बी डांसर्स रियली, डांसर नहीं होंगे वो लोग, बट कहीं ना कहीं एक डांसर को थोड़ा मूवमेंट होनी ज़रूरी पड़ जाती है. आई थिंक वो मैं सिखाऊंगा. कराओके के लिए जैसे कि सिंगर बन जाता है एक अच्छा, डांस के लिए वैसे कुछ आने वाला है? हम लोग बात तो कर रहे थे, लेट्स सी, आई होप कुछ ऐसा आया. अभी रियलिटी शोज तो बहुत हो गए, आई थिंक ग्राउंड शोज होता है वो अलग, उसका मज़ा अलग होता है कम्प्लीटली. रियलिटी शो टीवी के लिए आई थिंक एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाता है. अगर हम लाइव शोज करें तो उससे उसका मज़ा बहुत अलग होता है. आई होप हो जाए, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान मतलब म्यूजिक, डांसिंग एंड सिंगिंग. कुछ पिक्चरें आ रही है मेरी, जे डी विच इज रिलीज नेक्स्ट मंथ. आप जर्नलिस्ट के ऊपर है वो पिक्चर, सो आई थिंक आप लोग उसको पसंद करेंगे. दस वन मूवी हैव डन टू ब्यूटीफुल नंबर्स, वन इज़ आइटम सॉन्ग एंड वन इज़ अ वेरी हॉट पूल नंबर, सो आई होप यू विल लाइक दैट. और कुछ ऑफकोर्स लाइव शोज हैं मेरे, एंड आई एम परफॉर्मिंग फॉर द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल एंड ऑफ दिस मंथ, तो वहाँ पर भी आप डांस करते हुए देखेंगे. एंड सेप्टेम्बर में मेरा कुछ है, सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ थिंग्स. डांस करते हैं पूरा मस्ती में करते हैं. हाल ही में गुवाहाटी में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था उसको लेकर. वेल मैं यही बोलूँगा कि मैं सॉरी किसी को नहीं बोलने वाला हूँ, कि बिकॉज मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी. हमने बीहू को मिक्स किया था विथ इंटरनेशनल सांबा डांसिंग एंड पीपल थॉट आई डिड बॉलीवुड डांसिंग. सो आई थिंक जिन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने बॉलीवुड डांस किया, उनको ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या डांस कर रहा हूँ. मैं बॉलीवुड भी करता हूँ, पर लेकिन वहाँ पे मैंने टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बी हु एज अ फोक फॉर्म, आई डांस सांबा विच इज अनदर फोक फॉर्म. एंड आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल वो कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पे लाइव म्यूजिशियंस ने बीहू सिंग किया और हमने उस पर सांबा डांसिंग किया. सो आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट, बिकॉज आई नो इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग. थैंक यू. एक मिनट, सर, कोई नहीं. भोजपुरी में करते हैं सब ये. हाँ, भोजपुरी में ऐसे करते हैं.